हाँ जी आरती जी, आपका जन्म स्थल कहाँ है? मेरा तो जन्म स्थल, लोग सपनों में सोचते हैं कि ऐसी जगह मेरा जन्म होना चाहिए। मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ, जहाँ पे हमारे देवताओं का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे बांके बिहारी का हर रूप में और हर युग में उनके जन्म हुए हैं। साक्षात देवभूमि, वो तो स्वर्ग लोक है जहाँ पे मेरा है। मैं मुक्तेश्वर से हूँ, उत्तराखंड मुक्तेश्वर, जहाँ पे मुक्ति के देवता हैं हमारे भोलेनाथ जी। अच्छा, आपके माँ बाप भाई बहन मतलब कितने मेंबर्स है अभी तुम्हारे साथ? अभी तो मेरे साथ तो मेरी तो अभी तो मैं गुरु के पास हूँ, यही मेरी फैमिली है। वैसे मैं फैमिली में ज्वाइंट फैमिली है, मेरे चाचा जी भी हैं, मेरे ताऊ जी भी हैं, सभी ज्वाइंट फैमिली हैं। वो सब और आपको प्यार करते बहुत हैं? प्यार कर, मुझे क्या प्यार करते हैं, वो तो मेरी राधा रानी को प्यार करते हैं। मैं किस अच्छा काबिल हूँ कि वो मुझे प्यार करेंगे। ये अच्छा तो राधा रानी से वो प्यार कर रहे हैं, और राधा रानी ही जो है वो सबको जो है ना मेरे प्रति वो प्यार करना सिखा रही। कि नहीं, अच्छा हाँ जी हाँ जी सब राधा रानी की कृपा है, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। मैं किस काबिल हूँ, ये शरीर भी तुच्छ है। आज है, जीवित है तो लोग हमें गले से लगा रहे हैं, कल को मैं मर जाऊंगी ना तो लोग इसी शरीर को कहेंगे नहीं ये हटाओ, इसको निकालो, किनारे करो। लेकिन जो हमारी रूह है वो तो राधा रानी की भक्त है। राधा रानी ऐसा कुछ कर दे कि इस शरीर को लोग ऐसा कर दें कि यही गंगा जी में जाए, यही अग्नि में जाए। मैं तो यही चाहूंगी कि आखिरी इच्छा है कि मैं बरसाने में ही जाऊं। हाँ, अच्छा मैं अपनी राधा रानी के चरणों में ही जाऊं बस। अच्छा ये भक्ति देखिए, ये भक्ति जो होता है वो अंतर आत्मा से ही होता है। कहते कि अपने अंतर मन से होता है। जो इन्होंने रम चुके हैं राधा रानी की प्यार में, उनकी भक्ति में, तो इसमें आरती जी के साथ तो हमें मिलके ऐसे लग रहे कि वाकई में राधा रानी को ही हम पास पा रहे हैं। जैसे जब से मैं इनसे मिली हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को इतनी राधा रानी के भक्त मैंने नज़दीक मतलब इतनी पहुँच चुकी हूँ, मैंने बस क्या बताएं मैंने। नहीं काजी हाँ जी, जी हाँ ये जी तो हमारे औभाग्य है कि राधा रानी ने हमें आपसे मिलवाया। नहीं तो आप इतना बिजी रहती हैं, हर जगह जाती हैं, अच्छा एक किन्नर समाज की, एक ख्वाजा सराओं के बारे में आप इतना ऊंचाइयों पे उनको पहुंचा रही, नहीं तो कल हमें कौन जानता था। एक आप हैं जिन्होंने हमारी बात इस समाज तक पहुंचाई है, लोगों के घरों तक पहुंचाई है, ये तो सिर्फ राधा रानी की कृपा है। सही नहीं तो हम क्या हैं, हम किस काबिल हैं। लोग हमें पैदा होने से पहले ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो है हमारी राधा रानी ने हाथ पकड़ा कि इस समाज ने हमें समझा, इस समझा। समाज ने हमारा सपोर्ट किया। और मैं ये चाहूंगी कि जो भी हमारे जैसे बच्चे हो उनको सिर्फ राधा राधा। और सबसे बड़ी तो हमारी, जो हम प्रश्न भगवान से करते हैं या समाज से करते हैं, उस प्रश्न का हल तो है सिर्फ गीता। आप गीता पढ़ें और भागवत पे ध्यान लगाएं, सब कुछ वही है। ये क्लब जाना, ये दारू, ये शराब, ये मीट, ये मछली, जिसके लिए है ये उसके लिए है। हमारे लिए तो सिर्फ राधा भक्ति है। अच्छा राधा भक्ति कर ली तो हमें वो अमृत का भी मजा मिलेगा, वो हमें शराब का भी मजा मिलेगा, हमें हर चीज का मजा मिलेगा। उस नशे में मगन हो, भक्ति के नशे में, भक्ति की नशे में। उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। सही ये सब तो शैतान भी करते हैं। सही बात है। कहते ना भक्ति में शक्ति है, वाकई में।